अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं ANY न्यूज नेटवर्क। मैं हूं मोहम्मद अहसन। खबर शामिल करते हैं बहावलपुर हासलपुर से। ब्यूरो चीफ पाकिस्तान राना आलमगीर अब्बास सुल्तानी की रिपोर्ट के मुताबिक बानी डायरेक्टर जनरल डॉक्टर रिजवान नसीर सितारे इम्तियाज की हिदायत पर दुनिया भर की तरह पाकिस्तान में भी हफ्ता तिबी इमदाद मनाया जा रहा है। इस हवाले से पंजाब एमरजेंसी सर्विस रेस्क्यू 1122 बहावलपुर के जेर तमाम फर्स्ट एड की तरबियती वर्कशॉप्स का इनेकाद किया गया, जिसमें जिला बहावलपुर रेस्क्यू 1122 की कम्युनिटी टीम बहावलपुर के तमाम तहसीलों अहमदपुर शरकिया हासलपुर और यजमान में स्कूलों कॉलेजेस और यूनियन काउंसिल में इब्तदाई तौर पर तिबी इमदाद के हवाले से वर्कशॉप और प्रैक्टिकल सेशन का इनेकाद कर रही है। फर्स्ट एड वीक के हवाले से डिस्ट्रिक्ट एमरजेंसी ऑफिसर बाकिर हुसैन ने आलमी योम तिबी इमदाद के हवाले से बताया कि फर्स्ट एड वीक मनाने का मकसद हर घर में एक फर्स्ट एड मौजूद हो। उन्होंने कहा कि अवाम उन्नास में शऊर आगाही उजागर करना है कि किसी भी एमरजेंसी या नागहानी सूरत हाल में मुतासरा शख्स को तिबी इमदाद फराम करके कीमती जानों को बचाया जा सकता है। डिस्ट्रिक्ट एमरजेंसी ऑफिसर बाकिर हुसैन ने कहा है कि मुआशरे के हर शख्स को इब्तदाई तिबी इमदाद के बारे में शऊर आगाही होनी चाहिए। इस हवाले से रेस्क्यू 1122 की कम्युनिटी अवेयरनेस टीम ट्रेनिंग फराम कर रही है ताकि कम अज़ कम हर घर में एक ऐसा फर्द मौजूद हो जिसने इब्तदाई तिबी इमदाद की तरबियत हासिल की हो, जिसके बदौलत एमरजेंसी की सूरत में इब्तदाई तिबी इमदाद फराहम करके कीमती जानों को बड़े इंजरी से बचाया जा सके। उन्होंने कहा कि किसी भी एमरजेंसी की सूरत में बजाय इसके कि एमरजेंसी सर्विस का इंतज़ार किया जाए, बल्कि एमरजेंसी सर्विस के पहुँचने से पहले बरवक्त तिबी इमदाद फराहम करके कीमती जान को बचाया जाए। हालिया बारिशों ने मुल्क में 30 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है और अब तक लाखों अफराद सैलाब से मुतासिर हो चुके हैं। ये मासूम बच्चे, ये बेबस बहनें, ये भाई और ये बुजुर्ग आपके फराख दिलाना इमदाद के मुंतजिर हैं। वजीर आजम पाकिस्तान मोहम्मद शहबाज शरीफ के सैलाब जदगान के लिए माली इमदाद की अपील। आप भी स्पेशल अकाउंट G12164 में दिल खोलकर इमदाद दें और अपने हम वतनों के जख्मों पर मरहम रखें। बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी वायर ट्रांसफर, मनी सर्विस ब्यूरो, मनी ट्रांसफर ऑपरेटर्स और एक्सचेंज हाउसेस के जरिए अतियात भिजवा सकते हैं। अंदरून मुल्क कमर्शियल बैंकों में भी नकद अतियात जमा करवाए जा सकते हैं।